और हवा की तरह फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि लोग जो है असली पर्यटन स्थल पर पहुंच सके। दोस्तों अभी दोपहर के लगभग 2:30 बजे हुए हैं और मैं निकला हूं उदयपुर से चावंड के लिए। यहां से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों वहां पर महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, तो उसी जगह हम जा रहे हैं। दोस्तों चावंड एक पीछे अच्छा आबादी वाला और मार्केट वाला गांव है, और इस तरफ ये एक सर्कल आता है और उसके बाद यहाँ पर एक दरवाजा बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है माँ चामुंडा शक्तिपीठ। चलिए अब आगे प्रवेश करते हैं। हमने यहाँ पर किसी से पूछा तो हमें बताया गया कि यहीं पर 200 मीटर आगे महाराणा प्रताप जी की छत्रियाँ और उनका प्रतापी किला है। हम आ चुके हैं चावंड में। चावंड में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम इस तरफ आए हैं। आप देख सकते हैं ये रास्ता केजड़ जा रहा है जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर ये एक पुराना दरवाजा बनाया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। और दोस्तों इसका बनावट को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये काफ़ी बाद का बनाया हुआ है। और इस पवित्र धाम पर अभी हम प्रवेश करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 चीज़ें जो देखने लायक हैं। पहला, यह पवित्र स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप को जलाया गया था, यानी यहाँ पर उनकी समाधि है। और दूसरा यहाँ पर स्थान है चामुंडा माता का मंदिर, वो भी काफ़ी प्राचीन है। और तीसरा यहाँ का स्थान है महाराणा प्रताप का प्रतापी किला, जहाँ पर वो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और आकस्मिक रूप से उन्हें कुछ घाव लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, यानी वे मोक्ष को प्राप्त हुए। लेकिन चलिए सबसे पहले हम इस पवित्र स्थान के दर्शन करेंगे जहाँ पर उनकी छत्रियाँ बनाई गई हैं। चलिए प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ये एक छोटी सी लेक है और यहाँ पर कुछ खेत भी है जो इतने हरे भरे हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो सामने की ओर छत्रियाँ बनाई गई हैं, 1, 2, 3, 4 लगभग 7-8 छत्रियाँ बनी हुई है। और यहाँ पर एक ये छोटा सा कक्ष बनाया गया है। हालांकि केजड़ बांध धार्मिक स्थल है, यहाँ पर मछली पकड़ना कानून अपराध है, इस तरीके से कुछ लिखा गया है। और महाराणा प्रताप का निर्वाण स्थल, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। दोस्तों कितना शानदार है। और फिलहाल इसके यहाँ पर ताला लगाया गया है, लेकिन अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं। शायद ये इसलिए किया गया होगा ताकि कोई बाइक वगैरह इसके अंदर ना लेकर आए। आधा घंटा रुकने के बाद ये भैया आए हैं यहाँ पे। भैया आप कहाँ से आए हैं? टोकर गांव से, 50 किलोमीटर पास में ही यहीं पे। जी जी, से, आपका जी। नाम? रविंद्र सिंह राठौड़। रविंद्र सिंह जी, इस जगह के बारे में हमें थोड़ा बताइए। कुछ लोग बताते हैं कि इस जगह पे महाराणा प्रताप जी का निधन हुआ था और कुछ लोग बताते हैं कि उनका दाह संस्कार हुआ था, तो इन दोनों में से कौन सी चीज सही है? यहाँ पर देहांती हुआ था जी, जैसे कि वहाँ पे शिलालेख में लिख रखा है, आप देख सकते हैं। जी जी, यहाँ पे देहांत हुआ था उनका। जी जी, और यहाँ पर दाह संस्कार हुआ है, उस हिसाब से यहाँ छत्रिया वगैरह है। जी जी जी, मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये छत्रियाँ बनाई गई है। हाँ। तो मतलब उनका दाह संस्कार हुआ था और यहाँ पर भगवान की मूर्ति भी स्थापित की गई है। शिव जी की मूर्ति है वो। शिव जी की मूर्ति है। और पीछे की ओर वो हाथ जोड़कर जो खड़े हैं वो किन की मूर्ति है? इसकी आकृति देखकर ऐसे लगता है कि ये पुरानी है, महाराणा प्रताप जी के जो वंशज हुए थे उन्होंने इन छत्रियों का निर्माण करवाया होगा। दोस्तों अब हम चलेंगे उस महल के अंदर जो प्रतापी महल आज भी जस का तस खड़ा है और अपनी गाथा सुना रहा है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उसी महल के अंदर वो अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और उसी वक्त उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो प्रत्यंचा उनको लग गई। दोस्तों अभी हम उस पावन जगह पर आ चुके हैं जहां महाराणा प्रताप ने अपनी उम्र के लगभग 12 वर्ष आखिरी का समय यहां बिताया है। आप देख सकते हैं यहां पर एक बढ़िया सा परिसर भी मौजूद है और सामने की ओर ऊपर एक टूटा फूटा अपनी गाथा सुनाता हुआ एक खंडहरों में तब्दील किला है, जिसे हम पूरी जानकारी के साथ देखने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना शानदार महाराणा प्रताप प्रतिमा बनाई गई है।
सामने की ओर मंदिर में चामुंडा माता जी के सामने शीश झुका रहे हैं। चलिए आप आगे चलकर मैं आपको वो किला देखता हूँ। ये देखिए बलिदान की धरती राजस्थान और राजस्थान का चामुंडा गांव, जहाँ महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय बिताया। यहाँ पर ये पुरातत्व विभाग को बोर्ड लगाया गया। दोस्तों यहाँ पर कुछ गैया भी चल रही है, जिन्हें भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये है इस फोर्ट का एंट्री पॉइंट। शायद एक और रास्ता आगे से भी होगा। आज भी शान से यहाँ पर भगवा लहरा रहा है। और आगे आइए, ये महाराणा प्रताप जी का भाला, ये तलवार और पीठ के पीछे ढाल। और दोस्तों ढाल के अलावा ये जो लोहे का कवच पहनते थे, इसका वजन ही 35 किलो होता है। जी हाँ, 35 किलो का वजन ढाह कर उस समय में ऐसे शूरवीर योद्धा चला करते थे। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये तलवारें हमेशा दो रखते थे, एक इनके खुद के लिए और दूसरी दुश्मन के लिए, ताकि कभी दुश्मन निहत्ता भी हो तो उसके ऊपर वार नहीं करें। बल्कि वो दुश्मन को दूसरी तलवार देते थे और फिर बोलते थे, चल आ अब लड़ मुझसे। दोस्तों आप देख सकते हैं इनके चारों तरफ चार प्रतिमाएं बनाई गई हैं। एक तरफ इनकी प्रतिमाएं हैं, ये मुझे भामाशाह जी की प्रतिमा जैसी प्रतीत हो रही है, क्योंकि भामाशाह ने इनको महाराणा प्रताप जी को अपना सारा खजाना दे दिया था। और दोस्तों ये दूसरी प्रतिमा शायद इनके साथीगण की प्रतीत हो रही है, जिन्होंने जंगलों में इनकी मदद की थी। और दोस्तों ये तीसरी प्रतिमा और चौथी प्रतिमा में के लिए मैं कंफ्यूज हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अब यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको पूरा व्यू। आप पीछे की ओर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का डेवलप किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर पर्यटन विभाग का एक बोर्ड भी लगाया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस जगह पर महाराणा प्रताप जी ने, राजस्थान के शूरवीर ने अपने प्राण त्यागे थे। जी हाँ, वो एक बार अपने धनुष की वो जो तार होता है प्रतिंचा, वो चढ़ा रहे थे। 1500 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चामुंड को मेवाड़ की राजधानी बनाया। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष व्यतीत किए। उनके राजकाल में चामुंड में महल व चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण कराया गया। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को यही हुआ था। उनकी समाधि चावंड से 2 किलोमीटर दूर बांडोली गांव के निकट तालाब में बनी हुई है, जिसे अभी आप देख चुके हो। और दोस्तों इस तरफ से हम इस फोर्ट के व्यू को देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बड़ी गहरी खाई है, यहाँ पर भी इतने सारे पत्थर पड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर पुराना निर्माण रहा होगा जो अभी टूट चुका है। चलिए अब हम उस सामने की ओर कुछ निर्माण जो हमें दिखाई दे रहा है उस तरफ चलते हैं। दोस्तों इस फोर्ट का कुछ हिस्सा सुविधा के अनुसार डेवलप किया गया है, मतलब जीर्णोद्धार कर रखा है। आप देख सकते हैं इन सीढ़ियों के नीचे भी पुराना कक्ष हुआ करता होगा। चलिए अब हम चलते हैं उस तरफ जहां पर महल के कुछ अवशेष आज भी बाकी है। दोस्तों इस वक्त आप उस स्थान को देख रहे हैं जहां राजस्थान के शूरवीर महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के पावन पैर पड़े हुए थे। चीखती चिल्लाती दीवारें कुछ कहना चाहती है, एक ऐसा शूरवीर था। आओ आज उनकी गाथा सुनाने को आतुर हूं मैं। दोस्तों ये कक्षे हैं कुछ जो टूट चुके हैं, और वो सामने की ओर भगवा ध्वज है, उसके पीछे महाराणा प्रताप जी की सबसे ऊंची मूर्ति आपने देखी। दोस्तों ये है काला पत्थर जो इन महलों के अवशेष है, ये देखिए। और अब हम दूसरे टीले के ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों ये कक्ष पुराने हैं, ईंटों का भी इसके अंदर यूज़ किया गया है। दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर
ये जितना भी पानी गिरता हो इनके इन खड्डों के इन अवशेष के अंदर ये पानी भर जाता होगा, जो यहाँ से निकलकर इसके अंदर जाता होगा और यहाँ से वापस उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा ताकि ये धरोहर बची रहे पानी की वजह से और ख़त्म ना हो। दोस्तों यहाँ पर बहुत शानदार शानदार ये कक्ष बनाए गए हैं। इतिहास को समझने वालों के लिए यह जन्नत है और जो इतिहास को नहीं समझते हैं उनके लिए बस पत्थर है। ये देखिए दोस्तों, सामने की ओर आप चामुंडा माता का व्यू देख रहे हैं। ये दूसरा कक्ष है। उस समय फोर्ट की दीवारें कितनी मोटी हुआ करती थी और इन दीवारों को बनाने के लिए ये इस प्रकार का पत्थर यूज़ किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना नाम लिखे जाते हैं। अगर वो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कृपया करके इस प्रकार की हरकतें ना किया करें। ये देखिए दोस्तों हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका आर्किटेक्चर इतना टूट चुका है कि हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा प्लेस किस तरीके का है। दोस्तों हम महाराणा प्रताप जी की समाधि को देखकर अब इस स्थान पर आ चुके हैं। पीछे आप मंदिर देख सकते हैं जो चामुंडा माता जी का मंदिर है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी का प्रतापी किला। यहाँ पर हमारे साथ में है सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। भगवती प्रसाद आमेटा, अध्यक्ष महाराणा प्रताप स्मारक समिति चामुंड। जी 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 सर, इस फोर्ट के बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए और चावंड गांव के आसपास जितना भी ये इलाका है जो ऐतिहासिक है इसके बारे में भी सर थोड़ा हमें समझाइए। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी तीसरी राजधानी चावंड को बनाई। महाराणा प्रताप की पहली राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, दूसरी राजधानी उदयपुर थी और तीसरी राजधानी चावंड थी। महाराणा प्रताप के ये जो खंडर हैं ये पहले सुव्यवस्थित और सुविकसित महल थे जी। 600 सालों में पृथ्वी की उथल पुथल के कारण इन खंडरों की ये स्थिति हुई है और खंडर में तब्दील हुए हैं जी। बहुत अधिक इसको विकसित करने की ज़रूरत है। हम राजस्थान सरकार, भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि इस स्थान की ओर ध्यान दें, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बजट जारी करें और इन स्थानों को पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाने के कार्य करें जी। इस स्मारक परिसर के पास चामुंडा माता का मंदिर स्थित है जो ईडर शासक के अंतर्गत आता था, छप्पनिया शासक थे वो जी। उन्होंने महाराणा प्रताप को स्थान सौंपा था जी। और दोस्तों अभी लगभग 5:30 बज चुके हैं, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हवा की तरह फैला दीजिए इस वीडियो को ताकि लोग जो है असली पर्यटन स्थल पर पहुंच सके। क्योंकि बहुत सारी जगह हम म्यूज़ियम देखते हैं वहां पर एक आर्टिफिशियल पूरा सेलेरियो तैयार किया हुआ होता है लेकिन रियल पैलेस देखना, रियल जगह देखना हम चूक जाते हैं। दोस्तों ये है रियल पैलेस, महाराणा प्रताप जी का वो पैलेस जहाँ पर उन्होंने 12 वर्ष बिताए थे।